हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 1 एंड 2 ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम इनको पहले क्या करेंगे, p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 है तो 1 के नीचे 1 लिख देंगे। ये न्यूमरेटर था, अब हमने इसके नीचे डिनोमिनेटर बना दिया 1। सिमिलरली 2 है, 2 के नीचे भी 1 लिख देंगे। जब भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हों या फिर होल नंबर्स हों, और अगर हम उनको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो दो रैशनल नंबर्स हैं वो हैं 1/1 और 2/1। अब आपको इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा बेस है, डिनोमिनेटर है, इसको चेंज करेंगे। तो रैंडमली हम कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया है, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जब बेस सेम थे तो मैंने यहाँ पर भी 20 से ही मल्टीप्लाई किया है। आपको क्या करना है, बेस सेम ही रखना है। अगर आपने यहाँ 20 से कर दिया और यहाँ 30 से कर दिया, तो आपका बेस अलग हो जाएगा, क्योंकि 1 × 20 जब आप करोगे तो आपका 20 आएगा। ऊपर भी 1 × 20 करोगे तो 20 आएगा। बट अगर आप यहाँ 30 लिखोगे तो 1 × 30 करोगे तो यहाँ 30 आएगा। लेकिन हमारे को ये वाले बेस सेम रखने, इसलिए जब यहाँ 20 से करें तो यहाँ भी 20 से करेंगे, पर ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो 2 × 20 = 40, 1 × 20 = 20। अब आपको इसके बीच के 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 20 के बाद से स्टार्ट करते हैं, 21/20, 22/20, 23/20, 24/20, 25/20। 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ये रैशनल नंबर्स हम कहाँ तक लिख सकते हैं, अप टू 39/20 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40 है। आपको बिटवीन बोला है, इनके बीच के नंबर निकालने हैं। तो कभी भी जब भी हम रैशनल नंबर्स निकालेंगे तो ये दोनों नंबर्स इसके अंदर नहीं लेंगे, इसके आगे से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले तक लिख सकते हैं। तो हमें 5 ही चाहिए थे, तो हमारे पास बस यही 5 है। पर अगर हमें यहाँ पर 6 कहे, 7 कहे या फिर 10, 15, तो हम उनको और आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर 21/20, 22/20, 23/20, 24/20, 25/20। तो हमने ये 5 लिख दिए। 6 बोलेगा तो इसके आगे एक और लिख सकते हैं, जितने भी बोले हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको दो नेचुरल नंबर्स दियो और बोले कि उनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकालो, तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका, उन दोनों नेचुरल नंबर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों के 1 लिखना है। उसके बाद आपको बेस ऐसा बनाना है कि उनके बीच में वो उतने रैशनल नंबर्स हों जितने आपके क्वेश्चंस में बोले गए हैं। ठीक है, ये नंबर आप रैंडमली खुद से कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने 0 वाला इसलिए लिया है, 20, 30 इसलिए लेंगे ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। अगर हम यहाँ 17 लेंगे, 35 लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए हम वो नंबर लेते हैं जिनसे हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी रहे। तो मैंने इसलिए यहाँ 20 ले लिया। आप 30 लेके भी कर सकते हो, बट आपके 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।